तो हाई करो कैमरे को। तो कहाँ जा रहे हो आप खुद ही बताओ। भाई जी गुड मॉर्निंग। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हाँ जल्दी। इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। हाँ, वही बहुत तो लंबी चौड़ी कहानी है। मैं शॉर्ट शॉर्ट करके बोलता हूँ जितना हो सके समझ आएगा। 26 जनवरी यानी हम बोलते हैं हिंदी में गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले तो गणतंत्र का मतलब समझे। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि भाई जो देश में शासन चल रहा है उसमें कोई राजा राज नहीं कर रहा है, उसकी अंतिम शक्ति जनता में निहित है। ठीक है जी। अब 26 जनवरी हम 26 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कहानी लंबी चौड़ी है। पहली कहानी ये है कि भाई 1929 में कांग्रेस, ठीक है, IAC आज़ादी से पहले क्या किया था उन्होंने, एक अधिवेशन किया था लाहौर में। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हमें अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है, तो हम हर साल आने वाले आगे सालों में 26 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस या स्वाधीनता दिवस या आज़ादी दिवस मनाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने उस अधिवेशन डिसाइड किया था। तो उसके बाद वो जब तक आज़ाद नहीं होता तब तक 26 जनवरी को ही हम ऐसे ही टेम्पररी आज़ादी का दिवस मनाते थे। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, पर हम मनाते थे 26 जनवरी को। फिर क्या हुआ उसके बाद, 2-3 साल हमारी सरकार थी नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो जब हमारा संविधान वगैरह तैयार हो गया बन के, 26 जनवरी 1950 को बन गया, पर संविधान सभा ने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। हाँ। क्यों किया? क्योंकि वही हमारा पहले हिस्ट्री था कि 26 जनवरी को कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया और 26 जनवरी को हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये है इसके पीछे की कहानी। अच्छा, जाओ फिर, हैप्पी। भाभी जी गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। सेम टू यू। तो आपने तो बता दिया, अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। तो ठीक है, मिलेंगे, अब जाएंगे अब हम। ओके बाय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल तो बड़े भाई ने आपको बता दिया ना कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, आप सभी को पता लग गया होगा आसानी से। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरल वर्ल्ड पे। आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। बाकी दोस्तों आज हम जा रहे हैं, दोस्तों आज हम जाएंगे अगेन, मतलब सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज हम जाएंगे शायद भावनगर या फिर ज्यूरी, तो वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर आए होंगे। ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम होगा, बहुत बढ़िया सा फंक्शन होगा, तो वही सेलिब्रेशन करने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी भाभी जी। आप भाभी जी से तो हर वक्त मुलाकात करते होंगे, बट भाभी जी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुके हैं। क्या हो चुका है? भाभी जी इंजर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो बर्फ में फिसल गए थे, तो थोड़ा सा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए गाइस फंक्शन अटेंड करो, पर ध्यान से जाओ, नहीं तो मेरी तरह गिर जाओगे। अच्छे से चलना ताकि गिरो ना। ध्यान रखना दोस्तों, अपना भी ध्यान रखना। तो मैं भी अब चलता हूँ। ठीक है भाभी जी, बाय बाय। भैया ने तो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि हाँ गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कोती। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई लोग मिल चुके हैं, बुगली भैया एंड अरमान। जी हाँ दोस्तों, ये है अरमान। तो अरमान को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बुगली भैया को रिपब्लिक डे, आप लोग को सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। इस तरह से दोस्तों ये यहाँ का व्यू है, सुबह सुबह का नज़ारा है। सो गाइज, मेरे गांव की महिलाएं 26 जनवरी का मतलब रिपब्लिक डे का ना फंक्शन देने के लिए भावनगर जा रही है, तो उन्हीं से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, गांव की महिलाएं ना काफ़ी अच्छे तरीके से डांस करती है, तो उसी का सेलिब्रेशन करने के लिए वो आज जा रहे भावनगर। तो मैं वही दिखाऊंगा, मैं आपको उनसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ पूछूंगा, तो कहीं जाना मत। ये हमारी गांव की जितने भी महिला मेरे गांव के हैं। ठीक है, तो ये जा रहे हैं भावनगर, भावनगर जा रहे हैं वहाँ पे फंक्शन देने के लिए। ठीक है, तो हाई करो कैमरे को। हाय। तो कहाँ जा रहे हो आप खुद ही बताओ। भावनगर। क्यों, आज क्यों जा रहे हो? प्रोग्राम है 26 जनवरी। अच्छा, रिपब्लिक डे का फंक्शन मनाने। आप लोगों का कब डांस? ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से डांस करना, फर्स्ट आना। मतलब कौन सा डांस है आप लोगों का, मतलब पहाड़ी है कि किनौरी है? पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी।
सो गाइज अब हम जाएंगे जूरी मेमोरियल के पास, ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे है, अभी फिलहाल तो हम मतलब जूरी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चौथरवा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, दिखाएंगे हम सारा आपको दोस्तों, कहीं जाना नहीं ना, बहुत ज़्यादा सिंगर आएंगे, म्यूज़िक बहुत धमाकेदार चलेगा, सब दिखाएंगे आपको। तो ये अपना है जूरी बाज़ार, ठीक है दोस्तों। आगे है यहाँ पे मेमोरियल, वहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। रामपुर लोबीदा अपना निजारा सराण मधुरो जायो काली माता दे केरा काली माता दे केरा कोला तुंग पे रीखंग पियो ओ रीखंग पियो है लवी में दो हम तुम कमरे में बन हो जा भी खो जाए ऐसी खपना हो जाए। अभी थोड़ा नाटी का मोहन है तो फास्ट बाद में चलेगा। अभी कुछ अपनी एल्बम से गाने सुनाऊंगा आपको, सभी ने सुने होंगे। थैंक यू। ओ छोरी गाड़ो इन चोरी भयो गो गाना छोरी गाड़ो इन चोरी भयो गो वो ऐसे लहरों की धूल
Oh.